हमारे साथ जेडीयू के विधायक संजीव जी हैं। सर, जिस तरह से शिक्षा मंत्री लगातार मानस पे बोल रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? गलत है, उनसे सभी लोग दुखी हैं। और ये बोल के अगर उनको लग रहा है कि वो अच्छा कार्य कर रहे हैं तो बहुत दुखद है, इससे दुखद और कुछ हो ही नहीं सकता है, और शर्मनाक है इनफैक्ट। लेकिन वो कह रहा है कि जो रामचरितमानस है उसमें शूद्रों के खिलाफ बोला गया है, और शूद्रों के हम बात कर रहे हैं, हम सभी की बात नहीं कर रहे, हम कुछ चौपाई की बात कर रहे हैं। समझिए, ये गलत बोलने, कोई शूद्र के खिलाफ में नहीं बोला गया है, समझे कि नहीं? उस वक्त वो था ही नहीं सिस्टम जो आज सिस्टम है, उस वक्त के जो सिस्टम था उसके हिसाब से बोला गया है, और पूरा डिटेल भी मैं हर जगह में बताया हूँ कि शूद्र के खिलाफ नहीं बोला गया, इनके समझ का फेरा है ये। जी हाँ, शिक्षा मंत्री जिस तरह से आज भी दावा कर रहे हैं, इतने दिनों के बाद दावा कर रहे हैं कि हम इस पे और बहुत सारे, शूद्र जाति से नहीं होता है, चाहे कोई किसी के किसी से नहीं होता है, कार्य के हिसाब से उस समय डिवाइडेड था, कुछ सिस्टम था उस हिसाब से था, लेकिन रामचरितमानस में कोई ऐसा विरोधाभास नहीं है एकदम। लेकिन वो कहते हैं कि जो हमारी बातों का विरोध करता है वो स्वर्ण मानसिकता वाले लोग हैं, वो विरोध करते हैं। अब यही ना, जातिवाद देश कहाँ से कहाँ जा रहा है और ये जातिवाद के पीछे पड़े हुए हैं, मतलब समझिए कि इन चीप पब्लिसिटी के पीछे ये पड़ चुके हैं, तो मैं इनका घोर विरोध करता हूँ एकदम। आप लोग साथ में हैं, आपकी पार्टी उनके साथ में है और तमाम लोग हैं अभी तक, पार्टी राजद के साथ में है, समझे कि नहीं है? जी, ये कोई शिक्षा मंत्री के साथ में पार्टी नहीं है, पार्टी हमारी राजद के साथ में है, महागठबंधन है, इनका पर्सनल बयान है, लोकतंत्र है, कोई भी उल्टा सीधा बयान दे सकते हैं, एज यूजुअल वो दे रहे हैं, तो चीफ पब्लिसिटी के अलावा कुछ नहीं है इनका। हाँ, शिक्षा मंत्री है, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं। अब कब के पढ़े लिखे हैं, कब के ये हैं, अब ये तुलसीदास पे जब ये क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो वैसे शिक्षा मंत्री को तो मैं नहीं समझ सकता हूँ कि इनको तो प्रॉपरली इन पे खुद सोचना चाहिए क्या कर रहे हैं ये। हम लोग घोर विरोध करते हैं और सारे हिंदू के खिलाफ है ये, ऐसा नहीं है, और जातिवाद को, रामचरितमानस को भी जातिवाद में बांधना चाह रहे हैं, तो बहुत शर्मनाक चीज़ है ये, इससे घोर पाप कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या मनसा क्या है, आपको क्या मनसा क्या है? चीप पब्लिसिटी मनसा है, और कोई मनसा नहीं है इनका मनसा कोई नहीं है, चीप पब्लिसिटी मनसा। इसके अलावा कोई भी बुद्धिमान आदमी जो ये सनातन धर्म के विरोध बोल रहा है, ये बर्दाश्त के बाहर है, और यही दूसरे धर्म के बारे में अगर ये बोले रहते किसी धर्म के बोले के बारे में, तो ये रोड पे चलने के लायक वो धर्म के लोग इनको नहीं छोड़ते। ये हमारा धर्म ऐसा हिंदू धर्म है कि सब बर्दाश्त करता है, लेकिन बर्दाश्त की भी एक सीमा हो रही है। ये हमारी सहनशीलता को ये मजबूरी नहीं समझे, ये बहुत गलत कर रहे हैं, बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। आरजेडी संजीव जी कोई कार्रवाई नहीं करती है, ऐसे बयानों पर भी कोई टिप्पणी नहीं है, तो आप उनसे पूछिए, इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, आप उनके नेता से पूछिए, ये मेरा पर्सनल बयान है, ये मैं बता रहा हूँ, और मैं क्या सारे हिंदू जो भी हैं सनातन धर्म को मानने वाले हैं, इनको कुछ डिफेक्टिव माइंड हो चुका है इनका कुछ इलाज का भी ज़रूरत है, बीइंग ए डॉक्टर मैं बता रहा हूँ कि ऐसा ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, आप समझिए, अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम कहते हैं, कि आप उल्टा कुछ करेंगे तो लोग आपको नोटिस में लेगा, अच्छी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं भाई, किसी हाल में उल्टा बोलेंगे तभी, शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए तो उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ये आलतू फालतू बात पे दिमाग लगाए हुए हैं। ये सवाल ये है ना कि वो जिस धर्म से, उसी धर्म के बारे में बोलिए तो बड़ा गंभीर सवाल, पूछिए ना अब किस धर्म से हैं वो, उन्हीं से पूछिए वो किस धर्म से हैं वो, मैं पूछ रहा हूँ उनसे, पूछिए उन्हीं से पूछिए, पूछिए अगर उनकी इच्छा है, धर्म से इतने नाखुश है तो धर्म परिवर्तन ही कर ले, उनके लिए बेहतर होगा। आपके सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, अरे छोड़िए, शिक्षा मंत्री हैं तो इसका मतलब थोड़ी अनाप शनाप हमारे धर्म के बारे में बोलेंगे, कोई भी मंत्री धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलेंगे बर्दाश्त के बाहर होगा। मैं राष्ट्रवादी हिंदू हूं और गर्व से कहता हूं मैं सनातन धर्म का पालन करने वाला हिंदू हूं, और सारे हिंदू अरे इनको कुछ आता है, खुलासा क्या करेंगे भाई, ये खुद एकदम खाली डब्बा खाली वाला स्थिति है इनका, क्या खुलासा करेंगे रामचरितमानस के बारे में, जो सदियों से हजारों साल से लोग उसको अनुकरण कर रहे हैं, अपने जीवन शैली में उसको लाए हुए हैं, इसका क्या खुलासा करेंगे? शुक्रिया, गड़बड़ है। तो ये थे जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव, जिनका कहना था कि शिक्षा मंत्री की मानसिकता गड़बड़ है, और वो जो है सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।